हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर, जहां पर आपको सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और टेट परीक्षाओं की तैयारी संपूर्ण रूप से सिलेबस के आधार पर कराई जाती है। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2019 के लिए 500 क्वेश्चन की हमारी सीरीज सभी सब्जेक्ट में चल रही है। इसके पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए हैं, हमने थ्योरीज भी पढ़ी हैं, तो वो सब हमारा हो चुका है। और अभी ये सीरीज 500 क्वेश्चन की चल रही है, जिसमें आपकी जो शाम की 7 बजे की क्लास होती है वो होती है CDP की, जो कि दोनों ही पेपर का सिलेबस सेम है और दोनों ही क्या किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन। जितने लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं सो फटाफट से आप लोग रिप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था में निहित उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका? बालक की संपूर्ण शारीरिक वृद्धि को का मापन करना, बालक का पूर्ण एवं चहुमुखी विकास करना, बालक के शैक्षिक विकास को सामाजिक विकास की तुलना में अधिक पोषित करना, या बालकों को समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बांटकर शिक्षा उपलब्ध कराना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होता है बालक का पूर्ण एवं चहुमुखी विकास करना, ये सबसे मेन उद्देश्य होता है लोकतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था का। अगला प्रश्न है आज का, बालकों में सामाजिक विकास की गति तीव्र हो तथा सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप खुला हो, इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक क्या करे? दंडात्मक साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करे, प्रजातंत्रात्मक साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक करे, बाह्य समाज की अवधारणा से हटकर शिक्षण की व्यवस्था करे, या सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करे। क्या इंपॉर्टेंट है? देखिए मुझे लगता है कि इसमें कोई है नहीं, हम इतने दिन से सॉल्व कर रहे थे, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि दंड का अधिक से अधिक प्रयोग करना तो सरासर गलत होगा, तो ये तो नहीं ही करना है। ठीक है, बाह्य समाज की अवधारणा से हटकर शिक्षण की व्यवस्था करना ये भी सरासर गलत है, क्योंकि हमें NCF 2005 यही कहता है कि किताबी ज्ञान को भी बाहरी जीवन से रियल लाइफ से जोड़ा जाए, तो ये भी सीधे सीधे गलत होता है। ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिसमें सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न ही ना हो, तो ये तो सरासर मतलब कि ये फिर मतलब क्या निकला हमारे पढ़ाने लिखाने का इतना ज़्यादा सामाजिक उत्तरदायित्व उत्पन्न ना हो। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, प्रजातंत्रात्मक साधनों का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, तभी तो सामाजिक अंतःक्रिया सामाजिक विकास की गति तीव्र होगी और सामाजिक उत्तरदायित्व ही उत्पन्न ना होगा, तो सामाजिक विकास कैसे होगा? अगला प्रश्न देखेंगे इसी के साथ। बिल्कुल जितने लोगों ने रिप्लाई किया था ये सेम है, सेम ऑप्शन उनका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, यानी कि इनमें से जो 4 बुद्धि परीक्षण लिखे हैं कौन सा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है? रैवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिनी परीक्षण या ड्र ए मैन परीक्षण? देख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है 3rd के लिए आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाता है, को ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। ये एक्चुअली क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का वह मॉडल है जिसमें 16 कलर के घन प्रयोग में लाए जाते हैं, घन मतलब क्यूब। ठीक है, टेस्ट कार्ड की सीरीज में इससे ऐसे लोगों को आसानी से समझाया जा सकता है जिन्हें सुनने में समस्या हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक अक्सर शिक्षार्थियों की विशिष्ट क्षमताओं और कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, मतलब कैसे शिक्षक ऐसा कर लेते हैं? सामान्य शिक्षक, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े शिक्षक, संवेदनशील शिक्षक या आधुनिक शिक्षक? सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 3, संवेदनशील शिक्षक। जो संवेदनशील शिक्षक होते हैं वे ऐसे बालक के साथ क्या है कि वो सहानुभूति रखते हैं, उनसे स्नेह करते हैं, उनकी आवश्यकता का, उनकी रुचि का ध्यान रखते हैं। ठीक है, यानी कि एक कनेक्शन सा हो जाता है उनका और टीचर्स के बीच में, तो कनेक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो ऐसे में वो बालकों की कमजोरी क्या है, बालकों की क्षमताएँ क्या है, उसको वो समझ पाते हैं, वो बालकों को एक तरह से समझने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, पाठ्यक्रम निर्माण के समय अनेक सिद्धांतों का ध्यान रखना होता है, निम्न सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के समय ध्यान देने योग्य नहीं है? ठीक है, तो पाठ्यक्रम बनाते वक्त किस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है? पाठ्यक्रम का निर्माण व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो, किसी भी स्तर के पाठ्य विषयों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि विद्यार्थी को विषय बोझ लगने लगे,
विभिन्न विषयों के लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए उसमें समय को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ताकि वर्ष भर का पाठ्यक्रम वर्ष में ही पूरा हो सके। किस पे आपको ध्यान नहीं देना है? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल बिल्कुल टू हो जाएगा। प्रत्येक स्तर के पाठ्यक्रम में पूर्ण पृथकता होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी को अगली कक्षा में बिल्कुल अलग अनुभव हो। ऐसा नहीं होता है, हर नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ते हैं वो पिछले ही क्लास का कुछ आगे का रहता है, यानी कि जो हमने पहले पढ़ा है उसी का एक स्टेप आगे रहता है। ठीक है, जो भी चीज़ हम पूरी क्लास पिछली क्लास में पढ़ते हैं उसी से रिलेट करते हुआ टॉपिक होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली के विषय में कौन सा कथन असंगत है? इस प्रणाली द्वारा कम समय में अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रणाली द्वारा मूल्यांकन बिल्कुल सही होता है। इस प्रणाली में प्रश्नों का आकार छोटा होता है अतः विद्यार्थी उन्हें शीघ्र ही समझ लेते हैं। इस प्रणाली में उत्तर हाँ या ना में अथवा निशान लगाकर दिए जाते हैं अतः विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होता है। देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होता है। तो सिक्स के लिए सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर फोर, वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो असंगत है कि हाँ या नाम में जो है बच्चे और या फिर निशान लगा के बस उत्तर दे दिए जाते हैं तो विद्यार्थी की तार्किक शक्ति का विकास अधिक संभव होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, संकल्पना का निर्माण क्या संदर्भित करता है? अर्थपूर्ण विचारों में स्वनिम और रूपिम संगठित करने को, मूल वाक्यों पर रूपांतरण के नियमों के अनुप्रयोग को, आगनात्मक चिंतन को क्योंकि यह निगनात्मक चिंतन के विरुद्ध है, या अनुभवों को अर्थपूर्ण श्रेणियों में संगठित करना। आज के क्वेश्चंस देखिए सब हर डेली से अलग हैं और थोड़े से अच्छे हैं। अब धीरे धीरे डे बाय डे हमें यही करना है और इम्प्रूवमेंट करनी है क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। अच्छा, एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग जितने लोग भी लाइव आए हैं प्लीज़। तो सेवन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर टू, मूल वाक्यों पर रूपांतरण के नियमों के अनुप्रयोग को, ये आपका सही हो जाएगा। संकल्पना के निर्माण के संदर्भ में संकल्पना चिंतन का ही मुख्य तत्व होता है और इसी तरह शिक्षण में मूल वाक्यों का पर रूपांतरण के जो नियम होते हैं उनको अनुप्रयोग द्वारा दर्शाया जाता है। शब्दार्थ और भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं? भाषा विज्ञान, कूट संकेतन, अर्थ विज्ञान, वाक्य विन्यास। ईजी है ये, इसमें क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो देख लीजिए यहाँ पर आपको शब्दार्थ की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है अर्थ विज्ञान में, अर्थ विज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। अर्थ विज्ञान से तात्पर्य भाषा अध्ययन के दौरान शब्द के अर्थ को भी ग्रहण करना। निम्न में से कौन विस्लर द्वारा दी गई बुद्धि की परिभाषा का हिस्सा है? प्रकृतिवादी बुद्धि, दृश्य स्मृति और चित्रात्मक कल्पना, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता, स्थानिक एवं गति संवेदी क्षमताएं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका वो क्या हो जाता है। यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता। ठीक है, ये इन्होंने कहा है कि यही बुद्धि है, ऐसा उन्होंने माना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक गणितीय समस्याओं के समाधान के लिए क्या आवश्यक है? यांत्रिक समाधान, केंद्राभिमुखी चिंतन, अंतर्दृष्टि चिंतन या विचारावेश। सो करेक्ट आंसर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर टू, केंद्राभिमुखी चिंतन। ये बिल्कुल सही, एक्चुअली केंद्राभिमुखी चिंतन में क्या होता है, बालक केवल समस्या से संबंधित तथ्य और सोच का उपयोग करेगा, एक सेंटर्ड रहेगा एक तरह से एक टॉपिक पे, और यह विधि गणितीय समस्या के समाधान के लिए उपयोगी है। टॉपिक से भटकना नहीं, इधर उधर का सोचना नहीं है कुछ भी। सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता एवं नागरिकता के गुणों का समावेश करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक अप्रभावी विधि कौन सी है? अप्रभावी मतलब जो प्रभावी नहीं है वो बताना है। शिक्षार्थी को कक्षीय क्रियाकलापों को आयोजित करने में मदद करना, शिक्षार्थियों को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षार्थियों को विभिन्न आंकड़ों के एकत्रीकरण, संगठन तथा विश्लेषण की योग्यताएं उत्पन्न करना, या शिक्षार्थियों में सत्य असत्य की विवेकशीलता का विकास करना। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, सामाजिक रूप से विकसित परिपक्वता नागरिक गुणों का समावेश करने के लिए कौन सी विधि अब प्रभावी नहीं होगी।
तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाता है। देखिए सब चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं जो भी आप देख रहे हैं। अप्रभावी विधि होगी आपकी ऑप्शन नंबर टू, शिक्षार्थी को सभी सामाजिक समस्याओं के गहन मनन चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना। इससे क्या है कि वो सामाजिक परिपक्वता और नागरिकता के गुण ये सब विकसित इससे नहीं हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम प्रशिक्षित कर देंगे बच्चे को, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर्ड आ जाए, हो जाएगा मैच्योरिटी, जिससे उसके अंदर यही क्षमता आएगी कि हाँ वो सामाजिक सब उसके बारे में हम किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं हमारी रियल लाइफ का, जैसे हमारे देश में बहुत या फिर सोसाइटी में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, तो बहुत लोग हैं जो उसके बारे में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं चाय की शॉप पे बैठ के कहीं पे भी। तो चर्चाएं वो करने के लिए ठीक है, लेकिन वो बस चर्चा करने तक ही सीमित रहता है। एक्चुअली में उस चीज़ों को अडॉप्ट कर पाना या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, या खुद भी वो कह दूसरों को हर कोई कहता है लेकिन खुद भी उस चीज़ में ढल नहीं पाता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं कि सिर्फ किसी बारे में सिर्फ चिंतन गहन करने से या चर्चाएं करने से इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं इस चीज़ों में, विवेकशीलता का विकास होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्रियाकलापों में मदद करेंगे जब तो फिर ये भी मैटर करेगा। यहाँ पे संश्लेषण विश्लेषण मतलब सॉरी विश्लेषण की योग्यता उत्पन्न होगी, आंकड़े एकत्रित करने, यानी कि जो चीज़ें हम जिस चीज़ें पे डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज़ पे सोच रहे हैं, वो किसी न किसी मतलब रियलिटी पर बेस्ड हो, ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी जिसमें मज़ा आ रहा है वही चर्चा किए पड़े हैं, नहीं, हर चीज़ एक इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होनी चाहिए, तथ्यों पर बेस्ड होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःवैयक्तिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है? विद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग के प्रति धैर्य सहनशीलता के गुणों को सम में विकसित कर सकें। अंतःवैयक्तिकता के विकास में शिक्षार्थियों को संप्रेषण, समूह गतिशीलता तथा अन्य ऐसे ही पाठ्यक्रम अधिक लाभप्रद होंगे। यदि विद्यालय प्रतियोगिताएँ अंतःवैयक्तिकता के विकास में बाधक हैं तो इन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। विद्यालय में ही शिक्षार्थियों में अंतःवैयक्तिक क्रियाकलापों को विकसित एवं संवर्धित किया जाना चाहिए। तो चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा, शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू क्या कर सकता है? विद्यालय के समस्त शिक्षार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग के प्रति धैर्य भी रखें, सहनशीलता के गुण भी रखें, ये सब गुण उनमें विकसित हो, तभी अंतर्वैयक्तिक रूप से ये चीज़ें क्लियर होंगी, मतलब अच्छे से विकसित हो पाएंगी। सृजनात्मक चिंतन के संबंध में कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? इसे अपसारी चिंतन भी कहते हैं। सृजनात्मकता का परिणाम दुनिया के सभी आविष्कार हैं, दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये चिंतन मैंने आपको पढ़ाया है, चिंतन के प्रकार पढ़ाए हुए हैं, थ्योरी पढ़ाई है आपको, शिक्षण बाल विकास एवं मनोविज्ञान वाली प्लेलिस्ट में मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। करेक्ट आंसर इसका होता है बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर थ्री, बिल्कुल ऑलमोस्ट सबका सही है, दोनों, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलफोर्ड का विचार था कि बुद्धि में कुल मिलाकर कितने कारक होते हैं, जिनकी व्याख्या उन्होंने अपने बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत में की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपको ध्यान रखना है। गिलफोर्ड के विचार में बुद्धि में कुल मिला के कितने कारक होते हैं, तो ये सब हमने डिटेल से पढ़ा है, बुद्धि के कारक है ना, सब कुछ पढ़ रखा है थ्योरी में। हमारी फरवरी और मार्च में जो थ्योरी क्लासेस ही चली हैं वो भी सीटेट का सिलेबस रख के सामने और उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स देखते हुए जितनी ज़रूरी थी हो पाई हैं, और फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर दी क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया था। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे 14 के लिए हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर थ्री, 150 कारक माने हैं। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसे किसने दिया है? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि के सिद्धांत से क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा, गारंटेड है ये। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर वन, थॉर्न डाइक ने दिया है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, ठीक है। सो आई थिंक आज को आप आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो फटाफट से लाइक करिए, शेयर करिए, आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।